दावत खिताब दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के रुकन और सिटी एरिया के सदर जनाब रियाज बलूच भाई को आए अपने सबसे पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कत्ल भी करोगे तो हम माफ करेंगे। यहाँ पे दूसरे वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं। इंसान है, इलेक्शन के दौरान ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने अपने दोस्तों को ज़्यादा पाबंद कर दिया है, वक्त की पाबंदी कर दिया। बहरहाल इसमें कोई इशू नहीं है, ये सिलसिला एक दूसरे का हम इंतजार ही करेंगे। पढ़ाई का तो इंतजार होता है, अपनों का ज़्यादा हो जाता है, बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे दरमियान मैं ख़ास तौर पे एजाज भाई का साबिक हमारे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हमारे बड़े भाई जी हैं, साथ ही हैं, शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरी कॉल पे आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी टीम के साथ कि आप लोग अल्लाह के हुक्म से यहाँ से कामयाब हो गए इंशाल्लाह। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे दरमियान मौजूद सूबाई असम्बली के उम्मीदवार इमरान मिठानी साहब को कि वह आए और अपने ख्याल का इजहार करें। नारा भुट्टो, नारा 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 बिलावल, नारा 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 बिलावल, नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को माजरत कहना, लेट आ गया। असल में यहाँ मैंने फिल्म में जो थी कि चीज़ें थोड़ी ये 8:30-9 बजे तक चली जाएंगी, इसलिए सारे दोस्तों को माजरत कर रहा हूँ। और आप लोगों ने इंतज़ार किया, हमारा जो दोस्त चले गए उसको भी हमारा बताया। बेसिकली हमने एक ये जो अहद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ, ये कायदे आवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का इरादा था कि हम अवामी हुकूमत लेके आएंगे। आप इंशाल्लाह, मैं आप भाइयों को सबको ये वादा करता हूँ कि जब हमारी हुकूमत यहाँ पर आपकी जिद्दोजहद से आपकी कोशिश से तारीखी जीत लेंगे, तो हर एक बंदा आपका ये कहेगा कि जी मैं इमरान मिठानी हूँ, ये इमरान मिठानी रियाज बलोच है, ये इमरान मिठानी वहाब बलोच है, और हर बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो इमरान मिठानी है। हम सिर्फ, मेरा इरादा यही है कि मुझे सबसे पहले अपने जो हमारे पार्टी के कारकुनान हैं इनकी खिदमत करनी है। आपकी जो खिदमतें होती हैं उनको जो है हम कभी भी जो है ना नज़र से हटा नहीं सकते। जैसे कि पहले भी ये कुछ दोस्तों से हमें तास्सुरात मिलते हैं कि भाई जो भी इलेक्शन लड़ने आता है वो यहाँ से जीतता है या हारता है तो हमें मिलता नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका ये भाई बैरिस्टर इमरान मिठानी आपके साथ हमेशा रहेगा, बढ़ते घर दम तक आपके साथ हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हम अपने घरों में जो है ना रिजक लेके आना चाहते हैं, रिसोर्सेज हो, नौकरियां हो, और जो है टैक्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, और जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। यहाँ पे जैसे चेयरमैन और जो भी ब्यूरोक्रेट होगा, चाहे वो एसपी हो, डीसी हो, या कोई इसी डिपार्टमेंट का, जब वो आपके साथ खड़ा रहेगा और आपका काम करेगा। हमारे इमरान मिठानी भाई जिन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो कुछ इन्होंने कहा है तो इंशाल्लाह वो पूरा होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों की कुव्वत से ये जीतेंगे यहाँ पे और हमारी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं दावत दूंगा जफर जंजीर साहब को, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। जफर जंजीर साहब, ये
वज़ीर-ए-आज़म बिलावल, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल। सबसे टफ जो था वो हमारे लिए कराची और हैदराबाद था। अल्लाह ने हम सबको इज्जत से नवाजा और पीपल पार्टी ने हमें सब लोगों को दिया ही है। भुट्टो साहब कहते थे ताकत का सर चश्मा आवाम है, तो आज वो आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। तब तो मेयर सिपाही है ना, लेकिन अब ये एक और मैं अर्ज करूं कि इंशाअल्लाह ताला, हालांकि लोग ये महसूस नहीं कर रहे कि वजारत उज़्मा भी आप लोगों के पास आएगी, लेकिन आप लोगों ने अगर मेहनत की, हिम्मत की, तो इंशाअल्लाह ताला वजारत उज़्मा भी आपके पास होगी। मेयर शिप आपके पास, सिंध गवर्नमेंट भी आपके पास, और इंशाअल्लाह ताला वजारत उज़्मा भी आपके पास, और इंशाअल्लाह ताला हम जैसे नौजवान, मुझे तो ये भूल गए लेकिन मैं चाहूंगा कि इनको सबसे पहले वोट दीजिए। मेरा मुझे यकीन है कि आप लोग वोट जाहिर है पीपल्स पार्टी को ही देंगे, बाकी जो है काम करना हमारा फर्ज है। छोटी बड़ी बातें मैं क्या बताऊं आपको, आप इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे में से 20 घंटे वैसे भी मैं काम करता रहा हूं और अब भी करूंगा, और मैं अपनी यकीन दहानियां नहीं कराऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भरपूर मदद करेंगे। आप कुछ ना करें तो अपने घर में से बच्चों को, बीवियों को, बहनों को, माओ को भी निकालें। हमारे वोट तो आते हैं, आप लोग निकलते हैं, लेकिन ये हमारी अगर फतह तब होगी जैसे दूसरी पार्टियों को देखें कि हमारी औरतें बच्चे निकलते हैं, वो कामयाब होते हैं। अगर आप कामयाबी होगी तो इंशाअल्लाह ताला वजारत उज़्मा भी आपके पास होगी।